पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एनडीए गठबंधन के सभी घटक को देना चाहता हूँ, साथ साथ इस मझवा की जनता ने, हर जाति धर्म के लोगों ने जो सहयोग प्यार समर्थन दिया, मैं उनका हमेशा आभारी हूँ। उनके हर साथ हमेशा सुख दुख में कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करूँ। विंध्य कॉरिडोर में जो सुस्ती आई उसको तेजी कैसे पकड़ाएंगे आप? जानते हैं जब चुनाव आता है सुस्ती आ ही जाता है, क्योंकि उसमें चुनाव आयोग का चलता है, किसी राजनेता या किसी का नहीं, उसमें तमाम काम रुक जाता है। अब इसके बाद जहाँ ये ख़त्म होगा आचार संहिता, उसके बाद बार मैं कहते हैं कि विंध्य कॉरिडोर झाकी है, मिर्जापुर का विकास बाकी, उसी में सब होगा। चुनार के किले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना ये एक पिछले समय से चल रहा है और मैं समझता हूँ कि इस बार वो मूर्त रूप लेगा। और चुनार विधानसभा के जो गाँव के सीवर सिस्टम की समस्याएं हैं, विकट रूप से सभी गांवों में मैं देख रहा हूं, उस पर कुछ कार्य करने की योजना है। 2022 के चुनाव में मणिहान की जनता, हमारे मणिहान की देवतुल्य जनता ने मुझे दोबारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भेजा है, मैं पूरा से मणिहान की जनता को दूंगा। ऐसे काम जो आपको लगता हो कि अभी अधूरे छूटे हैं उसको पूरा करना है। देखिए, मणिहान विधानसभा में बहुत काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य महत्वपूर्ण हैं, वहाँ पेयजल की समस्या थी, उसका कार्य शुरू है, उसको पूरा कराना, और सिंचाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करना बाकी है। कोरोना काल के कारण नहीं कर पाए, लेकिन इस बार सिंचाई के लिए बेहतरीन व्यवस्था करूँगा। ठीक, जीत का श्रेय हम अपने क्षेत्र के, सबसे पहले हम अपने छानबे क्षेत्र की देवतुल्य जनता को, जिन्होंने हमारे पर दूसरी बार विश्वास किया, इसलिए हम पूरे क्षेत्र के, अपने छानबे क्षेत्र के जनता के चरणों में शीश नमन करते हुए प्रणाम करते हैं और पूरा पूरा श्रेय और पूरा पूरा उनको धन्यवाद उन्हीं को देते हैं। सुशासन का राज, विकास का राज, राष्ट्रवाद और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ाता, गरीब कल्याण को आगे लेकर बढ़े थे, इन सब का भी श्रेय मिला है। और मैं चाहूँगा कि जहाँ कहीं सिंचाई, शिक्षा या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह गई हों और कुछ जगह सड़कों की समस्याएं रह गई हों, इन सब पर हम चौमुखी विकास करने का काम करेंगे।